अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और बस हमारी मॉर्निंग हो गई है और आज हमारा बहुत बिजी डे होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग दो जगह इनवाइटेड हैं। एक तो मेरी डॉटर की फ्रेंड है, क्लास फेलो है, उसकी बर्थडे है और वहाँ जाना है। और एक जगह हमें एक फैमिली फ्रेंड हैं जो कि यहाँ से 2 आवर्स ड्राइव पे दूर रहते हैं, वहाँ उनके घर जाना है। और बस इसलिए बर्थडे थी तो बस अब गिफ्ट था, गिफ्ट पैक करना था, और तो मैं और नाबिया गिफ्ट पैक कर रहे थे। और बस जी, अब कुछ करो तो साथ साथ नाबिया को भी वही करना होता है मेरे साथ साथ। और साथ में बस डिस्टर्ब ज़्यादा कर रही थी, वो पैकिंग कम कर रही थी, लेकिन मैं उसको इतना नहीं रोकती। मैं कहती चलो ठीक है, मेरे साथ करो सारे काम, तो वो साथ साथ मेरे कर रही थी, कोशिश कर रही थी। अच्छा, ना अभी नर्सरी में है तो वो उसकी फ्रेंड है नर्सरी में है, तो बच्चों के लिए यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे एक्टिविटी टॉयज़ आते हैं। तो मैंने प्ले डो लिया था जो कि पॉ पेट्रोल का था, और बहुत काफ़ी पीसेस थे इसमें, 65 और पता नहीं 85 पीसेस थे इसके अंदर। और आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं तो बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो जाती है, टॉय भी हो जाता है, तो मुझे ये अच्छा लगा था और मैं लेने गई थी। और बस ये लेकर आए थे हम लोग, और बस अभी इसको पैक करें। इसको पैक करने के बाद रेडी होना है और एक दिन में दो जगह जाना है, तो बड़ा बस जल्दी जल्दी कर रहे थे। थोड़ी देर वहाँ गई थी बर्थडे में, थोड़ी देर यहाँ। सो अच्छे से जल्दी जल्दी काम करना होता है तो हर चीज़ में देर हो रही थी। मेरा टेप निकल ही नहीं रहा, बार बार मैं उसको निकाली, खैर फाइनली मेरा निकल गया और ये गिफ्ट पैक हो गया था। और इसका कार्ड लगाना तो हम लोग लेना भूल गए, तो जो लगाते हैं छोटा सा, तो मैं ऐसे ही से बना रही हूँ। Like this, card like this, it's like a heart shape. This is my card. I'm holding. You cut it. Let me see your card. This is my card. Like this, yeah? Yeah. Maybe that. How about this one? जी, तो बस अब जाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है और मैं सोच रही हूँ क्या पहनूँ। ये वाला ड्रेस मैंने आई थिंक अभी शेयर भी किया था लास्ट वीडियो पे आपसे, और ये लॉन्ग फ्रॉक टाइप की है, सिंपल सी है और जैसे वेदर के हिसाब से भी सही है, क्योंकि अभी हॉट हुआ वेदर यहाँ पे भी, इंग्लैंड में भी। सो इसको मैंने विदाउट कोटी पहना था, क्योंकि डे टाइम में कहीं जाना होता है तो ज़रा थोड़े सिंपल ड्रेसेस ज़्यादा बेटर लगते हैं। और अब आ गया नाबिया का टाइम, नाबिया ने क्या पहनना है। और क्योंकि वहाँ पे जो है गेम्स होंगे, तो वैसे भी नाबिया को प्लेन ड्रेस पहनना था, तो ये ड्रेस मुझे ठीक लगा। सो ये बेस्ट रहेगा नाबिया के लिए। जी व्यूअर्स, तो अब हम बर्थडे से वापस आ चुके हैं और वो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स आपसे शेयर किए हैं, क्योंकि सब होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी की फेसेस रिवील हों, सो दैट्स व्हाई मैं इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं करती। सो बस अब हम घर आ गए हैं और दोबारा से रेडी होना है, क्योंकि वो ड्रेस अनाबिया ने इतने गंदे कर दिए, तो अनाबिया को मैं ये ड्रेस पहनाऊँगी और जो हमें दूसरी जगह लेस्टर जाना है वहाँ के लिए। और ये ज़रा पाकिस्तानी ड्रेस मैंने निकाला है उसके लिए, और मैंने अपना पर्पल निकाला है, और ये मैंने बैग रेडी किया, और ये ड्रेस मैं जहाँ जा रही हूँ उनकी बेटी के लिए गिफ्ट लेके जा रही हूँ, और मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। और बस अब हम निकल रहे हैं।
फास्ट और बस जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ और जल्दी जल्दी सब चेंज किया, जल्दी जल्दी निकले और बहुत लॉन्ग ड्राइव है, 2+ hours ऑलमोस्ट 2-3 hours की है और हम लोग यहाँ पे 3 बजे निकले क्योंकि 12 o'clock पे मैं बर्थडे में गई थी, वहाँ से आई 2 o'clock पे 2 hours बाद और जल्दी से मैं और नावी रेडी हुए, हस्बैंड मेरे ऑलरेडी रेडी थे क्योंकि वो लोग गए नहीं थे बर्थडे में। आप ये देखें 3:20 हो रहे हैं, हमें 20 minutes हो चुके हैं निकले हुए और काफ़ी लंबा रास्ता है और हमें कार में सिट होना है। सो आराम से अब हम जितना भी रिलैक्स कर लुक एट दिस ग्रीनरी, कितना अच्छा लग रहा है। हमें तो बस ये ड्राइव वाकई पता नहीं चली क्योंकि पूरे 2 hours 3 hours ये ग्रीनरी आती रही है और बस ये व्यू देखते रहे हम, मैं और नाबिया खुश होते रहे, मेरे हस्बैंड बेचारे ड्राइव करते रहे और हम लोग साथ साथ खाते पीते भी रहे। बर्थडे में भी वहाँ पर फूड था, वहाँ भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया था बट इतना नहीं खाया था और गाड़ी में बैठे बैठे बोर ही हो रहे थे तो बस हम लोग ऐसे चिप्स और जूस और ये सब चल रहा था। सो खाली खाली वैसे बैठे बैठे भी ना दिल चाहता है कुछ ना कुछ खाओ, तो मैंने रात में ही ना बैग पैक कर लिया था, उसमें थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें और नाबिया का एक एक्स्ट्रा ड्रेस और क्योंकि बच्ची है कुछ रिलैक्स होना हो उसको ड्रेस चेंज करना हो और इतना दूर का रास्ता है तो एक एक्स्ट्रा ड्रेस होना चाहिए और कुछ खाने पीने की चीज़ें और पानी एटलीस्ट ज़रूर रखना चाहिए अगर आप कोई लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो कहीं पर। सो बस यही था और फाइनली वी हैव रीच लास्ट आफ्टर 3 hours ड्राइव और बस अब वो लोग भी वेट कर रहे हैं, उनकी भी कॉल आ रही थी जिनके घर हम जा रहे थे और बस अब हम अंदर जाएंगे और बाकी सब कुछ और आगे भी लोग अपने शेयर करती रहूँगी आपके साथ। सो इसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे रखना होगा दुआओं में याद और अब दे मुझे आप इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।